So here we need to test the convergence of sine 1 by n. And यहां पे हम क्या करेंगे, टेक ए एन इज इक्वल टू साइन वन बाय एन एंड वी नो दीज टू कंपेरिजन टेस्ट कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज के पॉजिटिव और फाइनाइट अगर आ जाए तो ए एन एंड बी एन कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टूगेदर एंड दिस इज पी टेस्ट की वन अपॉन एन अपॉन पी टाइप का कोई आपकी सीरीज है तो पी ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्ज एंड लेस देन इक्वल टू वन के लिए डाइवर्ज. सो हेयर वी हैव साइन वन बाय एन एक्सप्रेशन. साइन एक्स का आपको पता ही है, साइन एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. ठीक है, सो नाउ क्या हो जाएगा हमारा ए एन, ए एन हो जाएगा साइन वन बाय एन है, वन बाय एन की जगह आपका क्या लग जाएगा, साइन एक्स की जगह वन बाय एन माइनस थ्री फैक्टोरियल एन क्यू प्लस फाइव फैक्टोरियल एन फाइव अप टू सो ऑन. हमें क्या दिख रहा है, वन बाय एन सब में से कॉमन आ जाएगा, सॉरी, सो वन बाय एन विल बी वन माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस वन बाय फोर फाइव फैक्टोरियल एन फोर अप टू सो ऑन एंड चूज बी एन इज इक्वल टू वन बाय एन. क्यों, क्योंकि जब हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन कैलकुलेट करें तो हमें एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर मिल जाएगा. ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन एन वन माइनस थ्री फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल एन फोर अप टू सो अपॉन बी एन. कैंसिल आउट हो गया, लिमिट अप्लाई कीजिए, क्या बचेगा, ओनली वन. क्यों, क्योंकि सबके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, इन्फिनिटी आ जाएगा, दैट मीन दीज टर्म्स विल बी जीरो, तो आपके पास क्या है, सिर्फ वन, दैट इज पॉजिटिव एंड फाइनाइट. सो ए एन एंड बी एन विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर. अब हमें बी एन का नेचर पता है, बी एन क्या है, वन अपॉन एन एंड बी एन इज डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट. दिस इंप्लाइज ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. ठीक है, तो आप यही लिख देंगे कि सिंस या फिर देयर फोर ए एन एंड बी एन विल डाइवर्ज एंड कन्वर्ज टूगेदर एंड बी एन इज डाइवर्जेंट सो ए एन इज डाइवर्जेंट. तो वन अपॉन साइन, ये साइन वन अपॉन एन जो आपकी सीरीज है, दिस इज डाइवर्जेंट. ओके,